हाय गाइस, जल्दी से इस वीडियो को 75 के लाइक्स और बिंज को 9 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंचा देगा। और मैं प्रे करूंगा कि आपकी शादी से कुछ दिन पहले आपका या आपकी एक्स आपके घर में आए। अगर मेहमानों में किसी को भी पता चल गया कि ये अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, तो इन दोनों के साथ साथ तुम्हारी शादी भी तोड़वा देंगे। ऑनेस्टली बताओ, डायरी में क्या था? ये डायरी नहीं, काला चिट्ठा है। समाज को संस्कृति सिखाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकिए। ये है रामदेव, जो इस शादी में बैंड बजाने आए। पर प्लेट कैसे कॉस्ट बचानी है मैं तुमको नहीं बताऊंगा। वो दो रसगुल्ले मांगे तुम एक दो, वो दो नान मांगे तुम आधा दो, क्योंकि हर मेहमान एंटर करते ही सबसे पहले खाने पर टूट पड़ेगा। तुम्हें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उनको पानी पिलाना है। एक क्रॉस अगेन अटैक, ध्यान रहे, हर बारहती को खाने से पहले कम से कम दो गिलास पानी पिलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि एक एवरेज बाराती 70 मिनट ही बारात में ठहरता है। 70 मिनट तुम यहीं खड़े रहोगे तो पानी मैं पिलाऊं जाके, तो जाओ यार। 70 में से 2 मिनट तो यहीं कम कर दिए। अजले, हाय अजले। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ अजले। जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर चुका हूँ? मैं रोज चढ़ता था, रोज उतरता था, नाचता था, गाता था, धक्के खाता था अंजलि। मुंबई लोकल में बहुत भीड़ होती है अंजलि, और जब जब मैं थक के गिर जाता था ना, तो तुम्हारी आवाज़ सूरज की किरणों की तरह मेरे कान में पड़ती थी। वंस मोर रामदेव, रामदेव वंस मोर। अब मैं तुम्हें पाके रहूंगा अंजलि। धीरे धीरे, तुम ना बिल्कुल भी नहीं बदले। पहले भी चूतिया थे, आज भी चूतिया हो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर का कलाकार क्यों अभी तक जिंदा है? क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। जिस दिन ये जुड़ जाएगा ना, संगीत भी छोड़ के चला जाएगा। मैं अब किसी और की अमानत हूँ, मुझे भूल जाओ ना। ऐसे कैसे भूल जाओ अंजलि? मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें धरती माँ की कसम, तुम किसी से ये बात नहीं कहोगे, है ना? तुम्हें मुझे धरती माँ की कसम नहीं देनी चाहिए थी अंजलि। ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बांध सा दिया है। तुम मुझे तो चुप करा सकती हो, पर मेरे हाथ पर लिखे अपने इस नाम को कैसे मिटाओगी? हाँ, जो पूरा मोहल्ला जानता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिखवाया है अंजलि, और बरसों से नाम मेरे हाथ पे, पतंजलि। हाँ, गुड वन, गुड वन। अंजलि अब मेरा आखिरी डायलॉग सुनती जाना। अंजलि पलटना तो बिल्कुल नहीं। अंजलि अगर तुम यहां से चल के गई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अंजलि, 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 आप क्या सुन रही है? हाँ, अपमान संख्या 9,03,434। आज के बाद इस घर के किसी शादी में नहीं आएंगे, कोई इज्जत ही नहीं करता है। अबे घंटा तैयार हो गए? अरे कोई पजामा लेके भाग गया यार? अरे कहाँ लेके भागा? मिल गए दो पंखे। कैसे लग रहा है भैया? एकदम अब तुषार कपूर लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। तुम ही बताओ। सच बताएं भैया, बिलों उदय चोपड़ा लग रहे हैं। भैया भैया जल जाएगा, भैया जल जाएगा। मजाक किए थे, ऋतिक लगते हैं आप ऋतिक। भैया मजाक किए थे, पहले बोलना था ना तुमको। अरे तो माफ कर दीजिए भैया, माफ। अरे बेटा, ये पटाखे वटाखे रोड पे जाके चलाओ।
बरामदे की अच्छी खासी दीवार खराब हो जाएगी। अरे टेंशन नहीं मामा जी, ये सुंदर ही रहेंगी। पापा जी ने स्पेशली एशियन पेंट्स का एस स्पार्क पेंट करवाया है, बाहर की दीवारों की शोभा बनी रहेगी मामा जी। अरे तो बेटा फिर तो एक्स्ट्रा ख्याल रखो, पैसा बहुत लगा होगा। अरे नहीं नहीं मामा जी, एकदम बजट वाला पेंट है। इनफैक्ट आपने जितनी बचत मटर पनीर से पनीर गायब करके की है ना, उससे कई ज्यादा बचत दूसरे पेंट की जगह एशियन पेंट्स का यूज करके पापा जी ने की है। अच्छा तभी जीजा जी ने पेट्रोल का बजट बढ़ा दिया है। ठीक है, हम 20-20 मिनट के बाद लाइट काट देंगे। अरे तुम खेलो, चला दो। अरे क्या खेलो भैया, वो छोड़ो भैया, छोड़ दीजिए भैया, भैया फट जाएगा भैया। द्वार पूजन में बनारसी पान का पत्ता लगता है बबलू पंडित? लगता होगा, लेकिन हमारे घर की शादियों में शुरुआत से मगही पान का पत्ता लगता है, तो वही लगेगा गुड्डू पंडित। हम लड़के वाले हैं, हमारी बात मानिए। देखिए हम लड़की वाले हैं, हमारी बात मानिए गुड्डू पंडित। हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करो। देखिए ऐसा है गुड्डू पंडित कि आप तो हमारी बराबरी कर भी नहीं सकते, ठीक है? कसम खा के कह रहे हैं। अरे असम भसम चूल्हे में कसम, क्या पकड़े हैं ये? काउंसिल, हमारी बात मानो नहीं तो ये शादी कैंसिल, समझे? अरे ऐसे कैसे कैंसिल होगी, ये यही भस्म कर देंगे आपको हम। अरे हम मंत्र मार देंगे। अरे हम तब करके राख कर देंगे आपको, यहाँ लगेगा तो मगही पान का पत्ता ही। श्राप दे देंगे, रखो इसको। लगेगा तो मगही पान का पत्ता, बनारसी लगेगा, मगही लगेगा, बनारसी, मगही, बनारसी, मगही, बनारसी, मगही। चुप रहिए ना, मगही ना बनारसी, बांग्ला पत्ता लगाइए, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा कत्था, सौंफ, सुपारी और बाबा 120 जरूर डालिएगा। अरे जरा सुनो, सॉरी, आंखें दिखाओ, जबान निकालो। मैं बस तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब, आंखों से प्यार टपक रहा है और जबान से मोहब्बत लटक रही है, तुम्हारा बचना मुश्किल है आशिक। तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि अंजलि तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ लव मैरिज कर रही है? नहीं बता सकता, उसने मुझे धरती माँ की कसम दी है और धरती माँ मेरी माँ है। कसम ही दी है ना, बोल नहीं सकते तो गा तो सकते हो ना? अरे अंजलि यार, ये रामदेव कहाँ से आ गया? गड़बड़ तो नहीं करेगा कुछ? मैंने ना उसे धरती माँ की कसम दी है, डोंट वरी। धरती माँ की कसम भी कोई कसम होती है? साला मुंबई की बारिश, जख्मी आशिक, दोनों का कोई भरोसा नहीं है। देखो तुम ना मुझे ऐसे डराओ मत, मेरा सिर ऑलरेडी चकरा रहा है और पेट पता नहीं कैसे घुटघुरा रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तुम रिलैक्स करो। तो तुम्हारा पेट सही करने के लिए ये मामा जी दिए थे तुम्हारा, ये लो, ये तुम्हारा पेट सही करने के लिए, ये लो कायम। नहीं नहीं नहीं, मैं ये चूरन चटनी नहीं खाती। चूरन चटनी नहीं है ये, कायम टैबलेट है, पकड़ो, रात भर में पेट की कब सॉल्व कर देगा। हम खुद ट्राई किए हैं, लो तुम भी। चलो ये भी सॉर्ट आउट हो गया। क्या हुआ निकिता जी, कुछ हेल्प चाहिए? ये बजाऊं आपके लिए? हेल्प? और वो भी तुमसे? हाँ है, एक साहब का अरेंजमेंट करा था। मटन चिकन तो है, आपके लिए सांप का इंतजाम अभी करके। सांप से मेरा मतलब था कि कोई मेरे साथ नागिन डांस कर ले। काफी दिनों से मेरी कोई भी रील वायरल नहीं हुई है, सोचा था शादी में किसी बुजुर्ग को नागिन डांस पर नाचते नाचते उसकी रील बनाऊंगी, मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी। पर अरे समझो आपका नाग मिल गया निकिता जी। नाग हमको ना समझते हो? तुम्हारी बुआ के, तुम्हारी बुआ के बीन पर नाच लेते हैं तो तुम अपने बीन पर नचाओगे? तुम्हारी तो मैं नागिन डांस, अरे नागिन डांस तो हमारी बारात में हुआ था, हमने ऐसा बीन बजाया था, ऐसा बीन बजाया था कि 101 इच्छाधारी नागिन डांस करती हुई आ गई और अंत में वो साक्षात एनाकोंडा चला आया, हमारी आधी बारात को निकल गया। सुनो अपनी बारात में हमको मत भूलना है।
थैंक यू, धन्यवाद, टीवा टीवा। अब अगली फरमाइश। हाँ, अगली गाने की फरमाइश है हनी सिंह वॉल्यूम वन। शादियों में हनी सिंह वॉल्यूम वन कौन गाता है भाई? हाँ, करते लोग करती फरमाइश। शीला आंटी की फरमाइश है, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी जवानी। हाँ, अबे साले चिट्ठी तो पढ़ लेता। नीचे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है अंजलि के बारे में। अरे तुम मुखड़ा गाते रह जाओगे और अंतरा कोई और गाके निकल जाएगा। कसम खाके कहते, हमसे आशिक का दर्द देखा नहीं जाता। अब हमें ऐसे ही रहना होगा, दर्द जुदाई सहना होगा। शक्ति वा शक्ति। नहीं नहीं, हमने अंजलि से बात की, वो कह रही थी कि हमें रामदेव के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बस ये शादी नहीं करना चाहते। इसलिए कह रहे हैं कि उसे तुम किडनैप करके ले जाओ, वो तैयार बैठी है। तो चलो तो चलो। अबे यहाँ पे जोक चल रहा है, लाइट गई है, पता करो लाइट कैसे गई है। क्या हुआ, जाके देखो जरा। सॉरी, मुझे लगा ये अंजलि है। साले दिखना नहीं आज के बाद। अंजलि मैं फिर से आऊंगा। अबे जा, फिर से वापस आऊंगा। ऑटो दोनों को विधि शादी करवाएंगे और दक्षिणा आधी आधी बांट लेंगे। गुड्डू और बबलू पंडित के पान के पत्ते की लड़ाई में चूना मुन्ना पंडित लगा गया। तो भारी नुकसान हो गया गुड्डू पंडित। नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये शादी टिकेगी नहीं। शादी हो तो गई पर टिकेगी नहीं। अब गुड्डू और बबलू शादी में बजते टोनी कक्कर के गाने को तो बर्दाश्त कर सकते थे, मगर अपमान नहीं। अब इनके बदले की कथा कितनी लंबी चलेगी ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। धन्यवाद। और गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं कि बारिश ने आपके घर की दीवारों को खराब कर रखा है, तो एशियन पेंट्स का बजट वाला पेंट ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन फॉर इंटीरियर एंड ए स्पार्क फॉर एक्सटीरियर पॉकेट फ्रेंडली भी है और वैल्यू फॉर मनी।